आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और सर्दियों का स्पेशल मनचाओ सूप। मनचाओ सूप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि ढेर सारी सब्जियों से हम इसे बनाने वाले हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में अलग अलग तरह के सूप हम बनाते हैं, तो आज हम मनचाओ सूप बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मनचाओ सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने कलरफुल सब्जियाँ ली हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जितनी कलरफुल सब्जियाँ होंगी उतना ही हेल्दी सूप होगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच बारीक कटे हुए गाजर ली हैं, 2 चम्मच मैंने यहाँ हरे मटर लिए हैं, ये फ्रोज़न है, आपके पास ताज़े हैं तो वो भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई बीन्स ली हैं, 2 चम्मच बारीक कटे हुए मैंने प्याज लिए हैं, 2 चम्मच बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 चम्मच मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न लिए हैं और 2 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं हम। सूप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप नूडल्स लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया अच्छे से और धो लिया है, ये चिपचिपे बिल्कुल नहीं हैं। अब हम इनको फ्राई करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्नफ्लावर हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से कॉर्नफ्लावर में कोट कर लेंगे जिससे जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे बिल्कुल नहीं। नूडल्स को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गरम कर लिया है, एक बार अच्छे से तेल गरम करने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और नूडल को इसमें डाल लेंगे। 1 कप नूडल लिए हैं तो एक बार में हम फ्राई नहीं करेंगे, आधे आधे करके हम फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गया एक तरफ से, तो पलट लेते हैं हम इसे। दोनों तरफ से हम इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए नूडल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक टिश्यू पेपर पर हम इसे निकाल लेंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसमें वो निकल जाएगा और ऐसे ही जो दूसरे वाले बचे हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे, आप घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं लेकिन तेल बिल्कुल नहीं डालना है। तो घी को हम पिघलने देंगे। घी के पिघलने के बाद यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन लिए हैं, डाल लेते हैं, और 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ली है। इसे हम हल्का सा कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे जिससे इनका कच्चापन निकल जाएगा। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। सब्जियों को डालने से पहले हम सबसे पहले प्याज को भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। प्याज को अच्छे से मैंने भून लिया है, अब हम सारी सब्जियां इसमें डाल लेंगे। तो सब्जियां डाल लेते हैं और सब्जियों को हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा हम इसे कच्चा रखेंगे क्योंकि सूप में हल्का सा कच्चापन अगर सब्जियों में रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूप बनकर तैयार होता है। देखिए सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, तो 1 चम्मच मैं यहाँ नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच यहाँ काली मिर्च डाल लेंगे हम। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच हम यहाँ रेड चिली सॉस डाल लेंगे और 2 चम्मच मैंने यहाँ डार्क सोया सॉस लिया है, अगर आपके पास लाइट वाला है तो आप 3 बड़े चम्मच सोया सॉस ले लीजिए। अब मैंने 2 चम्मच यहाँ टोमेटो केचप लिया है, डाल लेते हैं।
मनचाओ सूप हल्का सा तीखा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम टोमेटो केचप उसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो आधी छोटी चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच सिरका लिया है, यानी कि विनेगर, वो डाल लेते हैं। इससे हल्का सा खट्टापन आएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, तो 4 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप इसमें अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पतला या गाढ़ा सूप पसंद है उसी के अनुसार आप इसमें पानी डाल लीजिए। अब इसे 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। 3 से 4 मिनट इसको पकाते हुए हो गए हैं, हल्का सा ये पतला है। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालने वाले हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है और 3 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे और इसे सूप में थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे, जिससे सूप बहुत ही अच्छे है, इसकी थिकनेस आएगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा सूप बनकर तैयार होगा। कॉर्नफ्लावर डालने से सूप में हल्की सी थिकनेस आती है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है, देखिए ऐसा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे अच्छे से, और इसमें अब हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और सूप को हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी सूप बनकर तैयार हुआ है। सर्दियों में अलग अलग तरह के सूप पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये लीजिए, मनचाओ सूप बिल्कुल तैयार है, एकदम टेस्टी हेल्दी मनचाओ सूप बना है, और आप भी ऐसे ही बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पर आप इसे शेयर भी कर सकती हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से वाला सूप ज़्यादा पसंद है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए आप बनाइए इसे और हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।